या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल पडेमिया। सोलापुर शहर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नागरिकों ने अपनी अपनी राय बताते हुए क्या कहा, देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी रिपोर्ट। मोहम्मद अनीब इब्राहिम काकंडी का आज इलेक्शन का मुद्दा आया है। आज खासदार का इलेक्शन है। खासदार के इलेक्शन में सोलापुर में दो खासदार हुए, दो खासदार में एक दोनों खासदार का नाम मालूम नहीं कौन है। यहाँ विकास नहीं, क्या नहीं, कुछ भी नहीं। विकास बनना चाहिए, जातिवाद का मामला चल रहा है। विकास नहीं है, महंगाई ज़्यादा हुई है, गोर गरीब मर रहे हैं। बच्चे एजुकेशन लेने के बाद में, एजुकेशन होने के बाद में टोला को नौकरी हो जा रही है। सोलापुर में नौकरी नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। खाली विकास करता विकास करता, विकास क्या करा नहीं, क्या नहीं, और खाली जातिवाद का काम चालू है। एक दूसरे में लड़ाने का, एक दूसरे में दिशा भूल करने का, एक दूसरे को झगड़े लगाने का, बैठने का। विकास का तो मुद्दे का कौन भी एक्शन नहीं है, मुद्दे का कौन भी मसला हल नहीं करे। अभी परिणति आने के बाद में तो विकास थोड़ा बहुत हुआ तो बच्चों का एजुकेशन भी हुएगा और बच्चों को जॉब का भी हुएगा, हम ये जो उम्मीद करते हैं। लोकसभा मतदारसंघा मध्य सद्या परिस्थिति जातिवादक परिस्थिति चालू है, और उम्मीदवार ने विकासा काम कराव, विकासा बोलाव, सात पाच ह्याच्यावर बोलू नये। आणि दोन्ही कॅन्डिडेट एज्युकेटेड आहेत, पण विकासाच्या मुद्द्यावर न बोलता जाती पात ह्याच्यावर जास्त सोलापूर सिटीमध्ये चालू आहे। इलेक्शनमध्ये तुमची काय प्रतिक्रिया? इलेक्शनमध्ये जे आमचं काम करेल, जे आमच्या समाजाचं काम करेल, आम्ही त्याला 100% मदत करू। अभिनंदन करतो आहे सगळे यूट्यूब चॅनलचे किती लोक बघायला लागले, सगळ्यांना नमस्कार। आता सोलापूरला आणि इलेक्शन लागलेलं आहे, सध्या सोलापूरची परिस्थिती बघा, सगळे लोक राजकारणच करायला लागले, लोकांचे कामं किती राहिले किती नाही हे कोण कुणी लक्ष देत नाही। सध्या अल्पसंख्या असू दे, कुठलाही पण समाज असू दे, सगळे एज्युकेशन घेऊन पण राहून साधे आय टी कंपनी असू दे, एम एस सी बी एड झालेले असू दे, सगळे डी एड झालेले, बी एड झालेले, यांच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही। अगोदर आपले सोलापूर शहराचा विकास होऊ दे, तुमचा राजकारण राहू दे, आणि सगळे लोकांचे गोरगरिबांचे कामं व्हायला। 10 वर्षामध्ये सोलापूरचा का विकास झाला का नाही? सोलापूरमध्ये 10 वर्षामध्ये काय काम झाला ते सगळे लोकांना माहीत आहे, आणि काय व्हायला पाहिजे आता मी सांगतोय ते बघा। कुठलं पण शासकीय काम असू दे, गोरगरिबांचे काम असू दे, महसूल कामचे कामं असू दे, बिल्डअप खरेदी बंद आहे, सगळे लोकांचे काम, बँकांचे लोन होत नाही, सगळं अडचण आहे, आणि काही लोकांचे काही प्रॉब्लेम आहे, वारस नोंद करायला गेले तर अडचण येते। आता 2024 जे इलेक्शन लावलेलं आहे लोकप्रधान, त्याच्याबद्दल तुमची काय आहे प्रतिक्रिया? मी सगळे लोकांना हेच सांगू इच्छितो की प्रत्येक मतदार मोठी करायचा अधिकार आहे, तिने आपल्या विकास कामाकडे लक्ष देऊन काम करावं। लोकसभा इलेक्शनचे वारे वाहू लागलेले आहेत, येत्या 7 तारखेला सोलापूरमध्ये वोटिंग करायचं आहे आपल्या सगळ्यांना। आमच्या सोलापूरमध्ये अनेक कंपन्या बंद पडलेल्या आहेत, आणि सोलापूरचा जे युवक आहे तो नोकरीसाठी पुण्या मुंबईकडे जात आहे। सोलापूरमध्ये उद्योगधंदे बंद पडू लागलेले आहेत, सोलापूरमध्ये जे रस्ते आहेत ते लहान झालेले सगळे, आणि ट्रॅफिकची समस्या, त्याचप्रमाणे ड्रेनेज लाईनची समस्या पण आहे सोलापूरमध्ये, त्याचप्रमाणे पाण्याची समस्या फार गंभीर आहे, 5 दिवसाआड पाणी येत आहे। तर आपल्या लोकसभेचे जे आपले उमेदवार आहेत भाजपचे आणि काँग्रेसचे, त्यांना मी सांगू इच्छितो की त्यांनी सोलापूरचे जनतेचे जातीवरती कोणी बोलू नये, आणि सोलापूरच्या विकासाबद्दलच बोलून फक्त सोलापूरचा विकास करावा, सोलापूरचा सर्वांगीण विकास करावी आमची त्यांना कळवायची विनंती आहे। मैं याकूब मंगलगिरी, आपने पूछा है कि लोकसभा इलेक्शन के बारे में मेरी राय क्या है। लोकसभा इलेक्शन इस बार मैनिफेस्टो या आपने किए हुए कामों को न लेकर जात पात, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, गाय, इस पर जो है लोकसभा इलेक्शन हो रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है
पिछले दो टर्म में खासदार केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार थी, भाजपा के खासदार थे, उन्होंने कहा क्या काम किया सोलापुर की तरक्की और बहबूद के लिए, उन्होंने क्या स्कीमें लाई, इस पर न चर्चा होते हुए सिर्फ यही मुद्दे किए जा रहे हैं। कभी योगी और देवेंद्र कोटे जहर उगलते हैं, कभी सातपुते जहर उगलते हैं। सातपुते में तो सोलापुर में आते ही पहले अपने बाइट में कहा था कि 10 साल का हिसाब लेने आया हूँ, जबकि उनको पता ही नहीं था। तो इस पर से इनको कितना नॉलेज है सोलापुर के ताल्लुक से, इसका पता चलता है। बाकी रही बात कांग्रेस उम्मीदवार की, तो कांग्रेस उम्मीदवार ने अपनी एक पहचान बनाई है सोलापुर में, सोलापुर की लेक और घर की ताई बोल के काम करने का उनका एक अपना अलग अंदाज है। वो मध्य के आमदार होते हुए भी पूरे शहर के जहाँ भी उनके कार्यकर्ताओं ने उनको काम बताया, उन्होंने काम किया है और काम करने का जो है वो जज्बा रखती है। हमको भरोसा है कि वो चुनकर आएगी इंशाल्लाह। मैं इस सवाल के बारे में आपको बता दूं, जब राम सातपुते सोलापुर में दाखिल हुए थे, सोलापुर में दाखिल होते ही उन्होंने जो है ना इल्ज़ाम की वो एक लाइन लगा दी। उस वक्त हम हमारे उम्मीदवार भाविक आजार प्रणीताई चिंदे से मेरा मुलाकात की और उनसे पूछा कि ताई हम क्या हम इसका जवाब न दें। तो ताई ने हमसे कहा था कि हम विचारों की लड़ाई, वैचारिक लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो हमको वैचारिक जवाब ही देना है, ना कि अपनी पतड़ी छोड़कर जवाब देना है। उन्होंने एक मिसाल दी थी, याकूब भाई अगर कुत्ता हमको काटता है तो हम इंजेक्शन लेते हैं, ना कि कुत्ते को काटते हैं। इस तरह से जो है ना उन्होंने हमारी समझ बनाई थी, इसलिए हमने उनके जवाबों को, उनके सवालों को जवाब देने से खुद को रोके रखा। मटन चिकन आणि बीफ साठी प्रसिद्ध असलेले सोलापूर शहरातील विजापूर वेस येथील प्रसिद्ध हॉटेल हॉटेल बडे मियां, पाया ताहरी मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन शीक, चिकन 65 आदि मेन्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियां। मटन मध्ये बीफ मटन राइस, बीफ चीज अंगुरी, बडे मियां स्पेशल मटन, मटन अंगारा, मटन कढी, खीमा मसाला। चिकन मध्ये चिकन राइस, चिकन मालवणी, स्पेशल बडे मियां चिकन, चिकन चीज अंगुरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन मसाला, असे भरपूर आइटम्स उपलब्ध। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, बीफ से स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेल मध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोय ही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर बेस येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियां। आमचा पता हॉटेल बडे मियां, विजापूर वेस, सोलापूर।